नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और भले ही शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र से चली गई हो, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत के तेवर कम नहीं हुए हैं। संजय राउत की बौखलाहट और उनकी तिलमिलाहट अभी भी सामने आ रही है। संजय राउत ने कहा है कि वो कल ईडी के दफ्तर जाएंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया उसके ठीक बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग उखाड़ दिया ट्रेंड करने लगा। चूंकि संजय राउत की ओर से बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने बीजेपी और साथ ही जो शिवसेना के बाकी विधायक हैं उन्हें बार बार इस तरीके की उखाड़ फेंकने की धमकी दी है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उखाड़ दिया हैशटैग ट्रेंड करने लगा। ट्विटर यूजर्स समेत तमाम जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता थे, जो विधायक हैं, चाहे फिर वो नितेश राणे हो या फिर तमाम दूसरे विधायक हो, उन्होंने भी हैशटैग के साथ उखाड़ दिया ट्वीट किया और इस दौरान तमाम यूजर्स के निशाने पर शिवसेना के सांसद संजय राउत आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद उखाड़ दिया हैशटैग के जरिए यूजर्स ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को निशाने पर लिया और संजय राउत का एक पुराना बयान इस दौरान खूब वायरल हो रहा है। इसमें ईडी की जांच पर संजय राउत ने निशाना साधा था। शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बालासाहेब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। मुझे समझ क्या है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी अभी मेरे पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। दरअसल इस दौरान संजय राउत का एक पुराना बयान लगातार सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर वायरल हुआ है और इसमें ईडी की जांच पर संजय राउत ने ये निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बाला साहेब का शिव सैनिक हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे। ये संजय राउत की ओर से कहा गया था, जिसके बाद अब लगातार तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो दरअसल उखाड़ दिया ट्वीट कर रहे हैं और संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं। वहीं संजय राउत भी अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि सत्ता अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जा चुकी है। इस बीच संजय राउत ने एक बार फिर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं कल ईडी के कार्यालय जाऊंगा, जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए के पाथरा चौक भूमि घोटाले के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत को ये दूसरा समन भेजा है, उन्हें 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। और अब संजय राउत ने कहा है कि दरअसल वो अब ईडी के दफ्तर जाएंगे और उनके वकील ने ये कहा था कि उन्होंने एजेंसी के सामने दस्तावेज पेश करने के लिए 13 से 14 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन अब जिस तरह से इस्तीफा उद्धव ठाकरे ने दे दिया है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, महाविकास आघाड़ी की सत्ता जो है वो महाराष्ट्र से अब जा चुकी है, सरकार गिर चुकी है, तो जाहिर तौर पर अब नई तैयारी महाराष्ट्र में है, नई रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस कभी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, तो ऐसे में संजय राउत ने तमाम बयान उनके सामने आए हैं, जिसमें ये कहा है कि वो ईडी के दफ्तर जाएंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर भी संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इससे पार्टी भावुक हो गई
थी। जिस तरह से बुधवार को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया तो हम भावुक हो गए थे। सभी लोग उद्धव ठाकरे पर भरोसा करते हैं, हर जाति और धर्म के लोग उनका समर्थन करते हैं, सोनिया गांधी और शरद पवार भी उन पर भरोसा करते हैं, ये संजय राउत की ओर से कहा गया। इतना ही नहीं, बाकी विधायकों पर बिकने का आरोप तक संजय राउत की ओर से लगाया गया। उन्होंने कहा कि आखिर इस संकट में मुझे जिम्मेदार ठहराने की वजह क्या है? शिवसेना से जाने वालों को कभी सीएम पद नहीं मिलेगा। शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि नारायण राणे और छगन भुजबल जैसों को भी नहीं मिला, शिवसेना छोड़ दी तो करियर ही चौपट हो गया। हम मार्केट में जाकर विधायकों को खरीदना नहीं चाहते हैं, दूसरे लोगों ने उन्हें खरीद लिया है। इस तरीके के बयान लगातार संजय राउत की ओर से सामने आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो पुराने बयान हैं संजय राउत के, जिसमें वो खुलेआम बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, जिसमें वो खुलेआम इन तमाम शिवसेना के बाकी विधायकों को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहे हैं, किस तरह से ईडी के समन पर भी उन्होंने ये कहा था कि मैं बाला साहेब का असली शिवसैनिक हूँ और मैं उखाड़ फेंकूंगा, इस तरीके की जो बयानबाजी है अब कहीं ना कहीं वो तमाम ट्वीट जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब संजय राउत को ये याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने दरअसल बीजेपी को उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ईडी मेरा क्या उखाड़ लेगी, लेकिन अब उन्हें उस दौर से गुजरना पड़ रहा है और अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर पोस्ट करते हुए संजय राउत पर इस तरह से निशाना साध रहे हैं, हैशटैग उखाड़ दिया ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। दरअसल हम सब ने देखा है कि किस तरह से शिवसेना के सांसद संजय राउत की बेतुकी बयानबाजी सामने आई है, किस तरह से उनकी धमकियों का दौर एक तरीके से चला है, जिस तरह से शिवसेना के बाकी वरिष्ठ नेता एकनाथ सिंधे ने अलग गुट तैयार किया, तमाम विधायक उन्होंने शिवसेना के अपने साथ जोड़ लिए और उसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से किस तरह से उनके पोस्टमार्टम तक की बात कही गई, उन्हें मुर्दाघर भेजने की बात भी उनकी तरफ से कही गई और इस तरीके की टिप्पणियां लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से सामने आई और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने उस दौरान ये साफ तौर पर कहा कि आज अगर शिवसेना में फूट पड़ी है, आज अगर महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की सत्ता से गिर रही है, अगर शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा ही लिखी गई है, क्योंकि संजय राउत के तमाम ऐसे बयान रहे हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बने हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में एक के बाद एक शिवसेना के तमाम जो विधायक थे उद्धव ठाकरे के खेमे में वो दरअसल उनके हाथ से छिटकते गए और एकनाथ सिंधे के गुट में शामिल हो गए और उसका खामियाजा इस तरह से उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा है कि देर रात उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया और सरकार अब गिर चुकी है, तो जाहिर तौर पर अब नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में होगा। लेकिन इस बीच तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो दरअसल संजय राउत के तमाम बयानों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से संजय राउत की ओर से धमकियां दी गई थी। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये उन्होंने संजय राउत पर तंज कसा है। तो इस तरह से संजय राउत एक तरफ अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा क्या है कि दरअसल शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है, ये हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा है, हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे, ये संजय राउत कह रहे हैं। मैं कल ईडी के दफ्तर जाऊंगा, दूसरा समन भेजा था उन्हें पात्रा चौल भूमि घोटाले में, दरअसल ईडी को उनसे पूछताछ करनी है, ये बड़ा घोटाला है जिसमें संजय राउत ने एक समन को जरूर दरकिनार कर दिया, लेकिन अब उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा। लेकिन तमाम बयानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से बार बार धमकी दी गई है और सिर्फ
ईडी के समन पर इस तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया था, उखाड़ फेंकने की बात नहीं कही थी, बल्कि इसके अलावा भी आपको ये बता दें कि 2019 में भी इस तरीके की बयानबाजी संजय राउत कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे जिसने उसे चुनौती देने का साहस किया है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार संजय राउत की ओर से की गई है, लेकिन आज तस्वीर महाराष्ट्र में बदल चुकी है। आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज संजय राउत सत्ता में नहीं हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम जो ट्विटर यूजर हैं खास तौर पर, वो संजय राउत को इस तरीके से घेर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो जाहिर तौर पर उसके बाद अब संजय राउत की तिलमिलाहट सामने आ रही है। तमाम ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से किए जा रहे हैं, जिसमें वो तमाम तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, पीठ में खंजर घोपा है, इस तरीके की तस्वीरें भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई हैं। तो जाहिर तौर पर संजय राउत अभी भी कहीं ना कहीं तेवर कम नहीं हुए हैं, अभी भी वही धमकियों का दौर जारी है। लेकिन अगर इस बयानबाजी पर काबू नहीं रखा तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, जाहिर तौर पर उससे बड़ा खतरा संजय राउत पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये लगातार देखने को मिला है कि संजय राउत के बयानों ने उद्धव ठाकरे को भारी खामियाजा पहुंचाया है, भारी खामियाजा उन्हें संजय राउत के बयानों का भुगतना पड़ा है। और अभी भी हालांकि वही दौर जारी है, लेकिन अब संजय राउत ईडी के दफ्तर में पेश होंगे कि उनकी तरफ से कहा गया है। कल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।